हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 5, जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सॉल्यूशन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, ए बी सी वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग गेन इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। देयर बैलेंस शीट शो द फॉलोइंग पोजिशन ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो देखिए, एबीसी तीन पार्टनर है जिनके आपको शेयरिंग रेशियो बता रखी है 2:1:1 है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट की बना है और साथ ही कुछ आपको ट्रांजेक्शन की बना है, कुछ एडजस्टमेंट की बना है। तो अब क्या हुआ है कि पार्टनरशिप क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। अब आपको करना क्या है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। जितने भी बिजनेस के पास एसेट है वो बेच देने हैं और जितनी भी लाइबिलिटी है वो चुकानी है। अब किस तरीके से करेंगे, आइए समझते हैं अपने सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, फिर लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और फिर बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले करना क्या होता है, जितने भी आप बैलेंस शीट में एसेट देख रहे हैं इनको आपको डेबिट साइड मेंशन करना है और जितनी भी आप लाइबिलिटी देख रहे हैं उनको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। अब जो एसेट है, एसेट में सिर्फ आपको कैश एट बैंक नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, क्योंकि जब हम बैंक अकाउंट बनाते हैं तो वहां पे हम इसको शो करते हैं। तो सबसे पहले आप डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा सारे एसेट, जितने भी एसेट की बात हो रही है एसेट साइड, टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। तो इन्हीं एसेट की बात हो रही है तो इनको मेंशन करके अमाउंट फिल कीजिए। एसेट में आज फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा 50,000 रुपीज, स्टॉक में आ जाएगा 60,000, डेटर में आ जाएगा 30,000, फर्नीचर में 20,000 और गुडविल है 18,000 की। तो यहाँ तक आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि हमने क्या कराया अभी तक। हमने एसेट में एसेट उठा के डेबिट साइड रियलाइजेशन अकाउंट के मेंशन कर दिया। अब सेम ही चीज आपको करनी है, जितनी भी लाइबिलिटी है उसको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। बट एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो प्रोविजन की बना है 2,000 रुपीज, ये भी क्रेडिट साइड ही मेंशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कौन से अकाउंट मेंशन करने हैं, आपको क्रेडिटर अकाउंट मेंशन करना है, आपको बिल पेबल अकाउंट मेंशन करना है, आपको मिसेज ए लोन अकाउंट मेंशन करना है, आपको बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट मेंशन करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि ए लोन को क्यों मेंशन नहीं किया। तो ए लोन को इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटी मेंशन करनी होती है। तो मिसेज ए लोन अकाउंट को आपको मेंशन करना है, ए लोन अकाउंट को आपको मेंशन अभी नहीं करना है। अब इसका अमाउंट फिल कीजिए। तो क्रेडिटर अकाउंट में 40,000 था, बिल पेबल अकाउंट में 10,000 था, मिसेज ए लोन अकाउंट में 16,000, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट में 2,000 आएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि अभी तक हमने क्या करा है। हमने बैलेंस शीट में से जितने भी एसेट थे डेबिट साइड मेंशन कर दिए, जितने भी लाइबिलिटी थी क्रेडिट साइड मेंशन कर दिए। अब क्या करेंगे, अब जो हमें ये गिवन है कि डिसॉल्व हो गई है फर्म, तो कितना क्या एसेट बेचे गए हैं, कैसे लाइबिलिटी चुकाई गई है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले हमें गिवन है फर्स्ट पॉइंट में, ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू। तो ए ने एग्री करा है कि वो टेक ओवर करेगा फर्नीचर 20% लेस देन द बुक वैल्यू। तो भाई फर्नीचर की बुक वैल्यू थी कितनी, 20,000। तो इसका 20% लेस करना होगा आपको और वो अमाउंट आपको लिखना होगा। यहाँ पे एसेट है तो क्रेडिट साइड मेंशन करना है आपको। अब अपोजिट हो गया है, पहले हमने जितने भी एसेट थे वो डेबिट साइड मेंशन करे, अब जितने भी एसेट रियलाइज्ड हो रहे हैं उनको आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो भाई एक कैपिटल अकाउंट लिख के ब्रैकेट में फर्नीचर लिखिएगा और 16,000 का अमाउंट लिखिएगा। क्यों 16,000 का अमाउंट लिखिएगा, 16,000 का अमाउंट इसलिए लिखिएगा क्योंकि देखिए फर्नीचर थे 20,000 के, जिसमें आपको क्या करना है 20% कैलकुलेट करना है तो 4,000 आएगा। तो एक कैपिटल अकाउंट में 16,000 ही मेंशन करना। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट में बैड डेट्स है, बैड डेट्स की एंट्री भी हम करेंगे। उसके बाद उसके सॉरी सेकंड पॉइंट में फिक्स्ड एसेट है, तो फिक्स्ड एसेट रियलाइज्ड हुआ है 32,000 और स्टॉक है 55,000 का। तो यहाँ पे आपको क्या मेंशन करना है, यहाँ पे आपको बाय बैंक अकाउंट लिख के फिक्स्ड एसेट में 32,000 मेंशन करना है, स्टॉक में 55,000 मेंशन करना है क्योंकि यही हमें गिवन है, इसी में हमने एसेट सेल करे हैं। तो यही अमाउंट आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है। और डेटर में 25,000 क्यों मेंशन किया, क्योंकि यहाँ पे बैड डेट का अमाउंट गिवन है 5,000 रुपीज। तो बैड डेट वो अमाउंट होता है जो हमें आपको वापस आया ही नहीं। तो डेटर थे कितने के, 30,000 के। तो 5,000 माइनस करके 25,000 का अमाउंट हमें रिसीव हो गया, तो 25,000 में मेंशन कर दिया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रांजेक्शन का काम हम कर चुके हैं। अब अमाउंट के कॉलम में टोटल करके लिख दीजिए 1,12,000। आई होप कि आपको यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है एक्सपेंस ऑन ऑफ रियलाइजेशन वर रुपीज 3,000। तो 3,000 रुपीज का एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस है तो वो डेबिट साइड शो होता है रियलाइजेशन अकाउंट के। तो टू बैंक अकाउंट लिख के अमाउंट के कॉलम में 3,000 रुपीज आप मेंशन कीजिएगा। तो ये 3,000 रुपीज आपने डेबिट साइड मेंशन करने हैं। इसके बाद क्रेडिटर वर पेड एट द डिस्काउंट ऑफ 5%। तो क्रेडिटर भी पे कर रहे हैं जिसके ऊपर 5% का डिस्काउंट है। तो क्रेडिटर से 40,000 के 5% का डिस्काउंट होता है 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज माइनस करने हैं, तो हमने लाइबिलिटी भी पे कर दी है। तो क्रेडिटर कितने हो गए 2,000 माइनस करके, सॉरी 40,000 का 5% होता है 2,000। तो 2,000 माइनस करके जो क्रेडिटर है वो 38,000 रुपीज के हमने पे कर दिए। अब यहाँ पे एक बात और समझने की है कि बिल्स पेबल और मिसेज ए लोन का कोई हमारे पास यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम मानेंगे कि हमने ये भी पे कर दिया है। तो हम यही मानते हैं कि हमने ये भी लाइबिलिटी पे कर दिया है। तो बिल्स पेबल कितने का था 10,000 रुपीज का और मिसेज ए लोन कितना था 16,000 रुपीज का। तो ये भी आपको मेंशन करना है। इसके बाद टोटल करके लिख देना है 64,000 टोटल आएगा।
अब यहाँ पे हमारा टू बैंक अकाउंट करके आपको मेंशन करना है 6400, क्यों? क्योंकि ये भी एक्सपेंस आपको फिफ्थ ट्रांजेक्शन में गिवन है। देयर वाज द क्लेम ऑफ रुपीज 6400 फॉर डैमेज अगेंस्ट द फर्म, इट हैड टू बी पेड, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, मतलब कि 6400 रुपीज का जो अमाउंट है वो आपको क्या करना है, पे करना है। तो ये डेबिट साइड ही आपको मेंशन करना है क्योंकि ये एक्सपेंस है। अब टोटल करना है तो डेबिट साइड का टोटल आपके पास आएगा 2,51,400, जिसमें से आप क्रेडिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो 55,400 आएगा, जो कि एबीसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि लॉस हो गया है। तो 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए कैपिटल अकाउंट में 27,500 आएगा, बी कैपिटल अकाउंट में 13,850 आएगा और सी कैपिटल अकाउंट में 13,850 आएगा। तो आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट हमने किस तरीके से बनाया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे ए लोन अकाउंट। तो ए लोन अकाउंट में देखिए लायबिलिटी साइड मेंशन है, मतलब कि जो फर्म ने लोन लिया है, ए से लोन लिया है फर्म ने, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्रेडिट साइड मेंशन करना है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके, कितना अमाउंट का लोन लिया है 20,000 रुपीज का। अब लोन फर्म को पे भी करना होगा तो यहाँ पे आपको डेबिट साइड मेंशन करना है टू बैंक अकाउंट, 20,000 रुपीज का लोन पे करना होगा तो बैंक अकाउंट मेंशन करना है, यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ए लोन अकाउंट बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट में से जो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है वो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है बाय बैलेंस ब्रोट डाउन करके 40,000 ए कैपिटल अकाउंट में, बी कैपिटल अकाउंट में 20,000, सी कैपिटल अकाउंट में भी 20,000। अब यहाँ पे आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है तो वो भी आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दिखाना होता है, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2:1:1 में। तो बाय कंपनसेशन, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिख के मेंशन कीजिएगा 10,000 ए के कॉलम में, बी के कॉलम में 5,000 और सी के कॉलम में भी 5,000। इसके बाद देखिए यहाँ पे मेंशन था कि ए ने क्या करा था, टेक ओवर किया था फर्नीचर, तो ये आपको डेबिट साइड मेंशन करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट लिख के, ए के कॉलम में आपको 16,000 रुपीज मेंशन करने हैं क्योंकि ए ने ही टेक ओवर किया था फर्नीचर को। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको टू रियलाइजेशन अकाउंट जो कि लॉस हुआ है तो आपको डेबिट साइड मेंशन करना है, ए को कितना लॉस हुआ है 27,700 का, बी को 13,850 का और सी को भी 13,850 का। आप टोटल कर दीजिए तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 50,000 ए के कॉलम में, बी के कॉलम में 25,000, सी के कॉलम में भी 25,000। यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिख के आप डेबिट साइड ए कॉलम का टोटल करके जब माइनस करेंगे तो ए के कॉलम में 6,300 आएगा, बी के कॉलम में 11,150 आएगा और सी के कॉलम में भी 11,150 आएगा। यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया है टू बैंक अकाउंट करके, आपने ए बी सी में तीनों अमाउंट मेंशन कर दिया। अब आपको करना क्या है, जब आपने अपना अकाउंट बना दिया, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, अब आपको बैंक अकाउंट बनाना है तो इस बैलेंस को ध्यान रखिएगा जो कि आपका टू बैंक अकाउंट में डेबिट साइड बैलेंस आया है, ये आपको बैंक अकाउंट में मेंशन करना होगा। कौन सी साइड, डेबिट साइड ही मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में हमारे पास जितना भी पैसा आया होगा एसेट को बेच के वो डेबिट साइड मेंशन कर देना है, और जितना भी पेमेंट की होगी हमने लायबिलिटी की तो क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो सबसे पहले डेबिट साइड मेंशन कर दिए, टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके कैश एट बैंक का बैलेंस आपको गिवन है 10,000 रुपीज का, और जो एसेट रियलाइजेशन के अकाउंट से हमारे पास बैलेंस आया था वो 1,12,000 का था, इसके लिए भी आप रियलाइजेशन अकाउंट का यूज कीजिएगा तो 1,12,000 मेंशन कीजिए। अब क्रेडिट साइड सारी लायबिलिटी पे करनी है तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने थे, सबसे पहले 3,000 रुपीज के, जो 3,000 रुपीज हमने मेंशन कर रखा है ये मेंशन कीजिएगा। इसके बाद आपको बाय रियलाइजेशन अकाउंट लायबिलिटी पे की है, कितने की लायबिलिटी पे की है, 64,000 रुपीज की लायबिलिटी पे की है, तो ये मेंशन करना है आपको। यहाँ पे आपको अगला है बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिख के एक्सपेंस पे किया है 6,400 का, तो वो भी क्रेडिट साइड मेंशन करना है। तो ये चीजें आपको क्रेडिट साइड ही मेंशन करनी है बैंक अकाउंट में क्योंकि हमने लायबिलिटी पे करी है। इसके बाद क्या है, बाय ए लोन अकाउंट, ए से लोन लिया था तो वो भी पे करना होगा, कितने रुपए का था 20,000 रुपीज का। देन अगेन क्या है, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट में जो भी बैलेंस था जो अपने कैपिटल अकाउंट में पता किया था वो आपको मेंशन करना है क्रेडिट साइड 6,300, 11,150 और सी कैपिटल में भी 11,150। आप टोटल कर दीजिएगा तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 1,22,000 रुपीज का अमाउंट आएगा। तो आज के लिए इतना ही, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।